गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बच्चो? फाइन, गुड। चलो अभी ये हमारा आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जहां जहां पर मैंने डैश बनाई है वो आपको फिल करनी है। ओके, तो ये तो बहुत इजी है पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये आप बुक में ही लिखोगे। सो बुक में डेट और CW लिख लो। ओके, और फिर हेडिंग डालोगे फिल इन द ब्लैंक्स। हो गया? चलो अभी नंबर वन मैंने लिखा है 25, 26, --, तो यहाँ पर क्या आएगा? यस, ये रहेगा हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग। सो यहाँ पर आएगा 25, 26, देन 27, 28। ओके, अंडरस्टैंड? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, नाउ नंबर टू। तो आपको भी यहाँ 27 और 28 के नीचे ऐसे डैश बनानी है। ओके, ताकि आपको समझ आए कि ये हमारी ब्लैंक्स थी। चलो अभी नंबर टू पे 39-41-40। ओके, सो यहाँ क्या हुआ? ये हुआ हमारा मिसिंग नंबर। ये था बैक फॉरवर्ड काउंटिंग, ये था हमारा मिसिंग नंबर। सो 39 after 39, यस, ये हमारा मिसिंग नंबर है 40। फिर 41 के बाद का हमारा मिसिंग नंबर है 42। ओके, चलो अभी हो गया सबका यहाँ तक। नाउ नंबर 3-70। सो ये है हमारा बिफोर नंबर। तो 70 का बिफोर नंबर कौन सा है? ये आपको फास्ट करना है, ये माइंड से करना है कि ताकि आपको फटाक से आ जाए। ओके, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, सोचना पड़े ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम हर रोज ये प्रैक्टिस करते हैं। और आपको घर पे भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी तो करोगे ना, पूरा दिन खेलना तो नहीं है। ओके, तो शार्पलिंग माइंड से आपको करना है 70 का बिफोर नंबर। यस, दैट इज 69। नंबर 4 पे 51-15, ये मैंने कॉमा ऐसे ही किया था ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग है। ओके, 51 लिखना है, ये ब्लैंक बनानी है, ये लिखना है। यहाँ पर मैंने दिया है कि ब्रैकेट में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इनमें से यहाँ पर कौन सी साइन आएगी? देखो अभी कोई भूल नहीं गया है ना, यहाँ पर कौन सी साइन आएगी? इन दोनों नंबर में से बिग नंबर कौन सा है? Yes, 51 is big number, so कौन सी साइन आएगी इसमें से? मगर का मुंह किस तरह खुलेगा? 51 के साइड पर वो साइन किसको कौन सी साइन बोलेंगे हम? Yes, साइन होगी ये वाली, और इसे हम बोलेंगे greater than की साइन। 51 is greater than 15. Okay, आया सबको समझ में? गुड। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, 36+0। यस, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा? नहीं, आंसर आएगा हमारा 36, बिकॉज कोई भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करेंगे या 0 ऐड करेंगे तो आंसर नंबर खुद ही आएगा। ओके, चलो अभी नंबर 6, 90-1।
ओके। अगर कोई भी नंबर से हम उसका उसको वन माइनस उसमें से वन माइनस करते हैं तो आंसर उसका बिफोर नंबर आएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा? यस, आंसर इज 89। ठीक है, याद रहा सबको? अगर हमने प्लस किया होता तो नंबर का आफ्टर नंबर आता। ठीक है, लास्ट में नंबर 7 पे डैश 98 डैश, यानी ये बिटवीन नंबर है। किस किस का बिटवीन नंबर है? यस, 98 से पहले क्या आएगा? यस, 97, और आफ्टर नंबर 99। ओके, आया सबको समझ में? ऐसे छोटे छोटे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं जो आपको इतना जल्दी से याद करना है। ठीक है, ये सब बोलते हैं हम MCQ। आप जब धीरे धीरे से बड़े हो जाओगे तो आपको ये सारे एग्जाम्पल MCQ में आएंगे। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है हमें। गुड।